प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 13 और 14 नवंबर को ब्राजील का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील की 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। बता दें कि दौरा 13 और 14 नवंबर को होगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है और इस बार 11वें शिखर सम्मेलन का विषय इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इन इनोवेटिव फ्यूचर है। पीएम मोदी छठी बार ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। दौरे पर उनके साथ एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। भारत से एक बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल ब्रिक्स बिजनेस फोरम में वहां हिस्सा लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। 14 नवंबर को रिस्ट्रिक्टेड सेशन में हिस्सा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये दौरा दुनिया में राष्ट्रीय संप्रभुता के अवसरों और चुनौती पर केंद्रित होगा। भारत को इस दौरे से काफी उम्मीद है। ब्रिक्स दुनिया की 3.6 अरब आबादी का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया की करीब आधी आबादी है। सदस्य देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद करीब 16,600 अरब डॉलर है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।